हेलो दोस्तों, अगर आपकी मोबाइल हैंग होती है, अगर आपकी मोबाइल स्लो चलती है, अगर आपके मोबाइल में डाटा यूज़ ज़्यादा होता है, आप कोई भी ऐप यूज़ नहीं करते फिर भी आपका डाटा ख़त्म हो जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज मैं आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाके सेटिंग्स में चले जाएं। सेटिंग्स में जाने के बाद चौथे नंबर पे ऑटो अपडेट ऐप लिखा हुआ है, इसे आप खोल लें। खोलने के बाद में आप देख सकते हैं डोंट ऑटो अपडेट ऐप लिखा हुआ आ रहा है, इसे आप ऑफ कर लिए। ये ऐसे ही एक तरह का फंक्शन है आपके ऐप को अपडेट करने के लिए। आप इसे मैनुअल भी कर सकते हैं, इतना ज़रूरी नहीं है कि आप इसे हमेशा ऑटो अपडेट में लगा करके रखें। इससे क्या होगा, आपका डाटा भी बचेगा और आपका मोबाइल भी हैंग नहीं होगा। तो अब हम चलते हैं हमारे दूसरे ट्रिक पर। तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स ये ओपन कर लिया हमने। सेटिंग्स ओपन करने के बाद में आप स्क्रॉल करते हुए सबसे नीचे चले जाएं। यहाँ पे आपको मिलेगा आपके मोबाइल का अबाउट फोन, आप इसे ओपन कर लें। ओपन करने के बाद स्क्रॉल करते हुए आप फिर से नीचे आ जाएं। यहाँ पे सॉफ्टवेयर वर्जन लिखा हुआ है, आपके भी मोबाइल में मिल जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे 7 times क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है नो नीड यू आर ऑलरेडी डेवलपर। तो मैंने ये पहले से कर रखा था, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद में आपको बैक जाना पड़ेगा। तो हम चलते हैं बैक में, डेवलपर ऑप्शन। इसमें जाने के बाद में स्क्रॉल करते हुए आप नीचे चले जाएं। विंडो एमिनेशन स्केल को ओपन कर लीजिए। यहाँ पे हमें सबसे ज़रूरी क्या है, हमें यहाँ पे इसे ऑफ करके रखना है, तभी हमारा मोबाइल जो है कि फास्ट चलेगा। अब जैसे हम यहाँ पे एमिनेशन चेंज कर देते हैं, देखिए धीरे धीरे हमारा मोबाइल स्लो चलने लगेगा। ये देखिए काफ़ी स्लो हो चुका है, तो ये हमें ऑफ करके रखना है। यहाँ पे जितने भी एमिनेशन स्केल्स दिखा रहे हैं, इसे सारे को आपको ऑफ करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा दूसरा सेटिंग का ट्रिक। देखिए अभी सारे ऑफ कर दिया मैंने। अब चलते हैं तीसरे सेटिंग्स में, जो कि हमारे मोबाइल के एंड्रॉयड के सेटिंग्स में ही है, हमारा डाटा सेवर। हम अपने डाटा को कैसे बचाएं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हम कुछ ऐसे ऐप यूज़ करते हैं जो हम यूज़ भी नहीं करते, तब भी वो रनिंग में होता है और हमें पता नहीं चलता है। तो हमें क्या करना होगा, हमें जाना पड़ेगा डाटा में। डाटा यूज़ में जाने के बाद में आपको सबसे ऊपर मिलेगा डाटा सेवर। ये डाटा सेवर मैंने ऑन करके रखा है, मैं इसको आपको दिखा देता हूँ खोल करके। इसे आपको हमेशा ऑन करके रखना पड़ेगा अगर आपको अपना डाटा को बचाना है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। मैं चाहता हूँ आप लोगों को अच्छी से अच्छी वीडियो बना के, ताकि आप कुछ सीख सकें और आगे अपने किसी और के दोस्तों के या फिर किसी रिश्तेदारों की मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है तो आप खुद सॉल्व कर सकें। तो आज के लिए इतना था दोस्तों, थैंक यू।